आज सॉलिड स्टेट के क्लास में वही न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। होप कि आप लोगों ने पुराने वाले न्यूमेरिकल करे हों, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ से आपको बताना शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है और उसका बीसीसी स्ट्रक्चर है। एक एलिमेंट है और उसका बीसीसी स्ट्रक्चर है और उसके एज लेंथ दे रखी हमें 289 पिकोमीटर। वहाँ लैंग्वेज में, यहाँ मैंने मैथमेटिकली लिख दिया, एज लेंथ उसकी 288 पिकोमीटर है, ठीक है। उन्होंने फिर बोला डेंसिटी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, आपकी दूसरी बुक से हो रहा है, पहली बुक ख़त्म हो चुकी है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उन्होंने पूछा हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन। लास्ट में भी हमने एक ऐसी तरह का क्वेश्चन छोड़ा था, अब हम स्टार्ट भी वहीं से कर रहे हैं। आर देयर इन 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। 208 ग्राम है ना, ये 208 ग्राम। तो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का हमें बीसीसी स्ट्रक्चर पता है। बीसीसी पता है, इसका मतलब गिवन में हम जेड की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, ठीक है। जेड की वैल्यू हमने दो लिख दी और उसके बाद उन्होंने बोला एज लेंथ इसकी 288 पिकोमीटर है, तो हम ए की वैल्यू 288 पिकोमीटर लिख सकते हैं। साथ में हमें डेंसिटी दे रखी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतनी इन्फॉर्मेशन से पहले कुछ निकालते हैं। अगर आपको फार्मूला याद हो तो डेंसिटी होता है जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर एन ए इंटू 10^-30। यू ऑल नो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है। ए हमें दे रखा है, रो भी हमें दे रखा है, जेड भी हमें दिया है। हम मॉलिकुलर मास निकालते हैं, तो मॉलिकुलर मास की देखिए वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी। ये तीनों चीज़ें ऊपर गई रो के साथ, तो रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए इंटू 10^-30, ओके। और m के साथ जो है z वो आया नीचे। अब अगर हम यहाँ वैल्यूज पुट करें तो मॉलिकुलर मास देखते हैं कितना आ रहा है। तो रो की वैल्यू इज़ 7.2, a इज़ 288, ठीक है। एंड नाउ ये जो हमने फैक्टर लगा दिया है, तो अब हमें पिको को चेंज ही नहीं करना। ये फैक्टर तभी आया जब हम पिको को पहले मीटर में चेंज करा और फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा और फिर उसका क्यूब करा, ठीक है। तो नहीं करना, सिर्फ वैल्यू डालनी है। तो 288 का हम क्यूब लेंगे। एन ए की वैल्यू यू ऑल नो 6.0 होती है, पर मैं सिग्निफिकेंट फिगर एक ही ले रहा हूँ। 6 × 10^23 आपका एवोगाड्रो नंबर हो गया, साथ में 10^-30 चल रहा है और यहाँ पे 2 चल रहा है। तो ज़रा हम मॉलिकुलर मास निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है। ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, ठीक है, आप लोग भी निकालिए। सो आपका 288 का क्यूब आ रहा 2 करोड़ कुछ समथिंग ना, ओके। देन इसमें 7.2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन 6 की, ओके। एंड देन इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ओके। एंड देन इसके बाद हम पे यहाँ पे -7 है ना, -7 23 और -30 हो गया -7, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका 51.5 आ रहा होगा। यस, कुछ 51 समथिंग आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहली दो सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आनी चाहिए। तो 51.5 ग्राम पर मोल आ गया, ये हमारा मॉलिकुलर मास आ गया। पर हमें क्वेश्चन फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि कितने एटम्स होंगे इतने ग्राम्स में, ओके, कितने एटम्स होंगे इतने ग्राम्स में। तो वो हम यहाँ कर लेते हैं, हमें सिंपली मोल कंसेप्ट लगाना है। और मोल कंसेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि किसी भी चीज़ का उसका मॉलिकुलर मास, कोई भी एलिमेंट एटम हो उसका मॉलिकुलर मास इतने एटम्स के बराबर होगा, 6 × 10^23 एटम्स के या मॉलिक्यूल के या आयन के बराबर होगा, जो कि चीज़ होती है एवोगाड्रो नंबर। तो किसी भी चीज़ का मॉलिकुलर मास एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन्स के बराबर होता है, ठीक है। और मॉलिकुलर मास हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 51.5।
तो जो हमारा एलिमेंट है गिवन, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है 51.5, वो कितने एटम्स कंटेन करेगा इस एलिमेंट के, तो इतने करेगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। और जनरली हमें पूछा यह है कि 208 ग्राम में कितने होंगे, 208 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, तो लेट अस से एक्स एटम होंगे। ओके, आई बात समझ में? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होंगे, किसके करस्पॉन्डिंग होंगे, मॉलिक्यूलर मास के। और गिवन आपको पूछा हुआ है 200 ग्राम्स में कितने होंगे, तो लेट अस से एक्स, एंड देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो यू गॉट 51.5 इंटू एक्स 6 इंटू 208 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ओके, सो एक्स इज 6 इंटू 208 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 अपॉन 51.5। अगर आपके ये माइनस में पावर आ रही है गलती से, तो वो गलत हो जाएगा बच्चों। आपको ये पता है एटम्स रियल क्वांटिटी होंगे, माइनस में नहीं आ सकते, एक से छोटे नहीं हो सकते। सो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, 208 इंटू 6 नाउ डिवाइडेड बाय 51.5, सो यू गॉट 24.2। तो 24.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स आपके होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो चेक करिए। ओके, गुड, सही है, ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंपाउंड है ए बी, अ कंपाउंड ए बी हैज एन ए सी एल टाइप स्ट्रक्चर। आपको पता है जब भी एन ए सी एल हो तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। एन ए सी एल एफ सी सी लैटिस में होता है और मॉलिक्यूलर मास जो है 99 है, ठीक है। एन ए सी एल टाइप स्ट्रक्चर है और मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है, 99 है। डेंसिटी आपको दे रखी है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इसके बाद आपसे पूछा हुआ एज लेंथ आपसे पूछा हुआ, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया। आपको सबसे पहले गिवन में लिखना है, क्योंकि एन ए सी एल टाइप है, ठीक है, एक कंपाउंड है ए बी, एन ए सी एल टाइप है, तो जेड की वैल्यू आप लोगे 4। देन उसके बाद आपको बोला हुआ मॉलिक्यूलर मास 99 है। देन उसके बाद आपको बोला हुआ डेंसिटी कितनी है, 3.4 है। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड एज लेंथ। ओके, सो इट विल बी पीनट टू फाइंड, ईजी से फाइंड हो जाएगा। आपको लिखना है रो जेड इंटू एम अपन ए क्यू इंटू एन इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 30। ओके, सो आपको निकालना है ए क्यूब, तो ए क्यूब ऊपर गया और रो नीचे आया है ना, जेड अपनी जगह, एम अपनी जगह, एन ए अपनी जगह, 10 रेज टू द पावर माइनस 30 अपनी जगह, ए क्यूब ऊपर गया, रो नीचे आया। सो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो देखते हैं ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है। तो ए क्यूब विल बी इक्वल टू जेड 4, मॉलिकुलर मास इज 99, डेंसिटी इज 3.4, एन ए इज 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, एन इधर माइनस 30 पावर। ओके, सो अगर हम इसे ठीक से लिखें तो आपका ए क्यूब जो है वो आया 99 मल्टीप्लाइड बाई 4, ओके, एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई 3.4, ये हो गया। देन ये 23 और माइनस 30 होगा माइनस 7, जो ऊपर जाके बनेगा प्लस 7। ओके, सो अब एक काम करते हैं, ए क्यूब लिखते हैं, 99 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 6 लिखते हैं और 3.4 को 34 बनाते हैं। तो जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो अब 8 होगा। समझ में आया? 3.4 होगा 34 बाई 10, 10 कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। एंड नाउ इसे हम अगर कैलकुलेट करें, 99 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 34, सो इट विल बी 1.941। सो ये हम पे आया 1.941 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, ठीक है। और क्योंकि हमें क्यूब रूट चाहिए, तो हमें पावर भी कुछ ऐसी चाहिए होगी कि जो इसे सॉल्व कर ले, है ना। तो ए कुछ ऐसा लिखेंगे अभी के लिए, देखिए एक काम करते हैं, हम इसे 1941 लिख देते हैं और इंटू 10 की पावर देखिए कितनी आएगी, 1, 2, 3 पावर हटाई, है ना, क्योंकि नंबर पहले छोटा था अब बड़ा हो गया, तो 10 की पावर कितनी आएगी, -3 आएगी और 8 चल रहा है, ठीक है, 8 चल रहा है।
और यहाँ पे क्यूब रूट भी आपका चलेगा, देखिए ये वाला क्यूब रूट कर दिया मैंने दोनों साइड, ठीक है। ये पॉइंट जो थे 3 हैं, तो 10 की पावर -3 बन गया, आपका आया 1941, यहाँ से आया 10 की पावर -5 और बाहर चल रहा है क्यूब रूट, ठीक है। अब एक काम करो, 2 जीरो इसे दो, तो हम पे आएगा 19.41 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। ये 2 जीरो इसे दे दिए जैसे पहले से, तो 19.41 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा आपका, है ना। ओके, सो आपकी एज लेंथ यहाँ से जो आएगी, अच्छा -5 नहीं नहीं +5 होगा, देन +5 है, तो इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे 7 होगा। चलिए एक काम करना, आप इसका क्यूब रूट खुद निकालना, ठीक है, मैं आपको आंसर लिख के दे रहा हूँ, है ना। कुछ गलती होगी तो मेरे से वेरीफाई करा लेना। तो इसका आ रहा होगा आपका 578.29, 578.29 पावर, देखो पॉजिटिव में है ना +5, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्यूब रूट करूँ तो आप अब बड़े बच्चे हो गए हो, है ना, थोड़ी अपने पे अपनी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट रखे करो कि क्यूब रूट खुद कर लें, है ना। तो यहाँ पे आपके कितना आ गया, पिको मीटर आ गया, 578.29। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, ठीक है, मैं बस मेथड बताऊँगा, नहीं तो फिर दो ही न्यूमेरिकल होंगे बच्चों, ठीक है। ये कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं तो उनमें से ये एक था। अब बस इतना कर सकता हूँ मैं कि अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो मैं एक शॉर्ट 5-6 मिनट की वीडियो बना के किसी स्पेसिफिक किसी बच्चे को दिक्कत होगी तो मैं बता दूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला है ये हो गया, ये हो गया, हाँ। अब हम पे ये है कि ये भी हो चुका था। चलिए ये अला क्वेश्चन करते हैं। आयरन अकर्स एज BCC एज वेल एज FCC स्ट्रक्चर। जो आयरन है उसके दोनों स्ट्रक्चर हो सकते हैं, BCC भी FCC भी, NaCl का सिर्फ FCC होता है। इफ़ रेडियस इज 124 पिकोमीटर, कैलकुलेट डेंसिटी इन बोथ स्ट्रक्चर। आपको डेंसिटी निकालनी है दोनों स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। और मास जो दे रखा है आपको आयरन का, वो आपको दे रखा है 55.8, तो इतना ही लेना आप पे कैल्सी है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आयरन जो है दोनों स्टेट में पाया जाता है, दोनों क्रिस्टल लैटिस में, BCC में भी और FCC में भी, और उसका रेडियस 124 पिकोमीटर है इफ़ेक्टिव, ठीक है, क्योंकि इन्होंने नेट लिया होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि BCC में अलग होगा FCC में अलग होगा, तो इन्होंने नेट लिया होगा यहाँ पे, या इन्होंने यहाँ पे नेट लेना था, ठीक है। देन इसके बाद आपको डेंसिटी निकालनी है अगर आपको मास दिया हो, ठीक है। तो हम दो केस बनाएंगे, एक बार हम BCC में निकालेंगे और एक बार हम FCC में निकालेंगे बच्चों, ठीक है, दोनों में। और आपको रिलेशन याद होनी चाहिए R और A की क्या होती है ना, ये चलिए। तो BCC में आपको याद होगा कि जो 4R होता था वो बॉडी डायगनल के बराबर होता था √3A के, और FCC में आपको याद होगा 4R होता था फेस डायगनल जो है आपका √2A, ठीक है। यहाँ से A की वैल्यू निकालोगे आप तो A की वैल्यू आएगी 4R/√3, इसका मतलब 4/√3 एंड R इज़ योर 124 पिको में ही अपना आंसर निकालना। नाउ अब आप मुझे आंसर बताइए अपना, है ना, पॉज करके 124 × 4 और डिवाइड करना है आपको √3 से, √3 होता है आपका 1.732, सो इट इज़ 286.3। सो हम 286 पिकोमीटर लिख लेते हैं, ठीक है। और सेम चीज़ वहाँ करेंगे, वहाँ से आपकी A की वैल्यू आई 4/√2R, दिख रहा है A की वैल्यू कितनी आई 4/√2R आई। सो 4√2 इज़ 1.414 एंड R इज़ योर 124। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आपका आएगा 124 × 4 डिवाइड बाई 1.4, सो इट इज़ 354.28। तो ये हो गया 354 पिकोमीटर, ये। तो ये हम पे दोनों की एज लेंथ आ गई है, तो देखो आयरन की, पर हर बॉडी स्ट्रक्चर में जो है रेडियस और एज लेंथ की अलग अलग रिलेशन होती है, तो देखिए एज लेंथ अलग अलग टाइप की आई। नाउ अब आपका काम है डेंसिटी निकालिए, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है Z×M/A³×NA×10⁻³⁰, और जो आपकी आएगी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर आप पिको का पहले ही लगा चुके हैं,
तो डेंसिटी यहाँ पे निकालेंगे हम बी सी सी में, जेड आपका बी सी सी का 2 होता है, जेड यहाँ कितना होता है 2 होता है ना, बी सी सी में 2 लिखा, मॉलिकुलर मास 55.80 होगा बेटा, बस डायमेंशन फ़र्क हो जाता है, मास मूस में कोई फ़र्क नहीं आता, डायमेंशन मतलब लेंथ एरिया कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू आपकी 286 है, सिर्फ यूनिट लिखो, 286 का क्यूब करो, एवोगाड्रो होता है 6 × 10³, और साथ में आपका 10⁻³ भी चल रहा है। तो आई होप इसको आप ठीक से निकालेंगे, मैं आपको बुक से बता देता हूँ ये कितना आ रहा है। आपका आ रहा है 7.89। इसे पॉज करा करो बेटा, जैसे मैं ये एक स्टांस लूँ रुकने का तब आप कर लिया करो, फिर रिज्यूम करे करो और देखे करो हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। अपने से लोयल रहो, किसी और से नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी लगाएंगे डेंसिटी एफ सी सी, जेड की वैल्यू आएगी 4, मॉलिकुलर मास 55.8, ओके। एंड नाउ ए इज़ 354, जस्ट यूनिट 354 का क्यूब, एन ए इज़ 6 × 10⁻³, एंड इट इज़ 10⁻³। तो आपकी जहाँ जो यहाँ पे डेंसिटी आएगी एफ सी सी की, वो लगभग आपके आएगी 8.49, चेक करना प्लीज़, ठीक है, 8.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगी, है ना। क्योंकि मैं आपको नुकसान ही करूँगा अगर यहाँ कैलकुलेशन कर दूँगा, वहाँ तो आपको करनी है, जितनी आज ज़्यादा डालोगे वही बढ़िया रहेगा। और प्लीज़ फ़ोन से ना करिए कैलकुलेशन, बिल्कुल कैलसी से करिए, साइंटिफिक जो आपको कैलकुलेटर मिले हैं कैसियो के, जो भी चीज़ जिस भी कंपनी के मिले हैं, तो प्लीज़ उससे आधा डालिए, क्योंकि अभी नहीं डालोगे तो बाद में नहीं बन पाएगी, ठीक है। थैंक यू। ओके सो ये क्वेश्चन देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे है सीजियम क्लोराइड, सीजियम CSCl, सीजियम क्लोराइड हैज़ BCC अरेंजमेंट, सीजियम क्लोराइड का BCC अरेंजमेंट है, ओके। एंड एज लेंथ जो है इसकी 400 पिकोमीटर देर की, कैलकुलेट इंटर आइनिक डिस्टेंस, इंटर आइनिक डिस्टेंस, इंटर आइनिक डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था इंटर आइनिक डिस्टेंस कुछ और नहीं होता, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स ही होता है। इंटर आइनिक डिस्टेंस मतलब आयंस के बीच का डिस्टेंस, आयंस हों एटम्स हों बात एक ही है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हो, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हो या इंटर आइनिक डिस्टेंस हो, बात एक ही है। आपसे डी पूछ रहा है, और किसी भी कि तीनों टाइप में डी की जगह कितना डालते हैं, 2R डालते हैं या 2R की जगह डी डालते हैं, ठीक है। तो सीजियम क्लोराइड है, उसका बी सी सी अरेंजमेंट है, एज लेंथ देर की, आपको इंटरआइनिक डिस्टेंस बताना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हमारा बीसीसी होता है उसमें 4R जो होता है वो बॉडी डायगोनल के बराबर होता है, मतलब √3A के। अब हमने क्या करा, 4R को ऐसे तोड़ा, 2 × 2R, ये बराबर आ गया √3A के, ओके। 2 × 2R कितने के बराबर आ गया, √3A के, 4 को तोड़ा, 2 जा है ना, एंड 2R आपका जो है डी बन गया। ऊपर से देखें 2R आपका डी बन गया, 2R जो है D बन गया, तो 2D इज इक्वल टू √3A आ गया। सो आपसे यहाँ से D की वैल्यू जो है √3/2A आ जाएगी, एंड √3/2A इज़ योर 400, देन योर पिकोमीटर, तो ये आ गया आपका 200√3 पिकोमीटर, ठीक है। और आपको पता है √3 होता है 1.73, 1.73 और 20 हो गए 173, 173 इंटू 2 निकाल लो कितना होगा 346, 346 पिकोमीटर इसका आंसर हो गया, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना 346 पिकोमीटर, और स्पेसिफिक नहीं होना है ना, बस इतनी, जितनी अच्छी सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए उतना बढ़िया है, चेक कर लो कहीं गलती हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और जितनी कैलकुलेशन करोगे इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, आप कितनी करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नियोबियम Nb जो होता है ना, नियोबियम Nb एक एलिमेंट होता है नियोबियम, ठीक है, कहाँ आया था ये, आया याद, चलो नियोबियम क्रिस्टलाइजेस
नोबिता बताया था ना, वहाँ से आया है। नियोबियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC, डेंसिटी आपको दे रखी है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी आपको ये दे रखी है। मॉलिकुलर मास दे रखा आपको 93 ग्राम पर मोल। आपको एटॉमिक रेडियस निकालना है, ठीक है। नियोबियम जो है एक एलिमेंट, वो BCC में क्रिस्टलाइज होता है। डेंसिटी दे रखी है, मॉलिकुलर मास दे रखा है, तो आपको सिर्फ काम कितना करना है, आपको रेडियस निकालना है। रेडियस निकालो, कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो ए पता हो जाए तो रेडियस पता हो जाएगा, है ना। BCC के लिए आपको पता ही है क्या कि 4R जो होता है वो बॉडी डायगोनल के बराबर होगा, मतलब √3 A के। तो A की वैल्यू कितनी आएगी, और सॉरी R की वैल्यू कितनी आएगी, √3/4 A आएगी, ठीक है। तो ये हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ना बनाओ चीज़ों को, है ना, एक साथ इतनी चीज़ें दिमाग में मत घुसेड़ो अभी। चलिए, तो हमें फार्मूला पता है, डेंसिटी होता है Z(m)/A³(Na)×10⁻³⁰, ये आप पे होता है, ठीक है। डेंसिटी Z(m)/A³(Na)×10⁻³⁰। डेंसिटी गिवन है आपका 8.55। जेड आपको पता होना चाहिए, BCC के लिए 2 होता है। मॉलिक्यूलर मास आपका 93 दे रखा। ए क्यूब हम निकालेंगे, एन ए आपका लाएगा 6×10⁻³, और यहाँ पे चल रहा है -30, बेस सेम पावर ऐड। तो 23-30 को आप -7 लिख सकते हो। अरे इतना तो आता है ना बच्चों, 23 आया यहाँ से 6 के साथ, 10⁻³ और 10⁻⁻³, 10⁻⁷ बचेगा। ए क्यूब आपको चाहिए, ए क्यूब ऊपर गया 2×93, -7 ऊपर जाके +7 हो गया। नीचे देखिए फिर क्या बचा, सिर्फ 6 बचा, क्योंकि ए क्यूब तो इधर भागा, और -7 ऊपर जाके +7 हो गया, और 8.55 आपका नीचे आया। आई होप आप इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। ए की वैल्यू आएगी 2×93×10⁻⁷/8.55, तो 8.55 लिख लेना इसे। और जो पॉइंट है वो यहाँ पे 10⁻⁷ देखो कितना बनेगा, -2 बनेगा ना बच्चे, बनेगा नहीं बनेगा, -2 बनेगा ना यहाँ से, क्योंकि 8.55 है ना। तो 8.55×10⁻², लिखा 6 तो चल ही रहा है, 6 तो है ही ना, इस चीज़ को ये लिख दिया, और -2 ऊपर जाके +2 बनेगा, तो कुल मिला के 9 बनेगा, और 9 का क्यूब रूट, मतलब इस पूरे का क्यूब रूट करना है। 2 3 जै 6 होगा बच्चे, 3 3 जै 9 3 1 जै 3, तो 31/855 है। आप डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, ठीक है, अपने उसमें करिए, है ना, मेरे से कोई मतलब नहीं। तो आपका आ रहा है 0.036, ठीक है, 0.036×10⁻⁹, और यहाँ पे चल रहा है क्यूब रूट। तो एक काम करो, 3 जीरो इसे दो तो ये बनेगा 36, और 3 जीरो से 3 पावर कम हो जाएगी तो ये 10⁻⁶ बनेगा। अरे खुद देखो ना, 1000 इसे दे दो, 1000 अगर उसे दे दिया तो यहाँ 6 बनेगा, तो 1000×3 जीरो खा जाएगा। तो 36 का आपको क्यूब रूट निकालना है। क्या होता है 36 का क्यूब रूट, याद है 27 होता है 3 का, 4 का होता है 64, तो ये 3 point something आएगा आपका। हाँ, तो ये आपका आ रहा है 3.30, यस 3.30 आ रहा है, और 10⁻⁷ भी है आप पे, ठीक है। तो क्यूब रूट करेंगे तो ये आपका आ रहा है 3.30, और देखिए यहाँ से क्या आएगा, 3 2 जा 6 कटेगा ना, 3 2 जा 6, तो यहाँ से 2 बचेगा, ठीक है, और ये 2 जीरो इसे दे देंगे तो ये लगभग 330 picometers आ जाएगा। पिको में ही रहेगा बच्चों, आपको पता है ना, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर हम लगा चुके हैं, ठीक है। मीटर में हो ही नहीं सकता बच्चों, मीटर में, मीटर पता है 330 meters कितना होगा, है ना, सेंटीमीटर में भी नहीं होगा। सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है ना बेटा, 330 centimeters मतलब कितना हो गया, 3 meters हो गया, 3 meters का होगा एटम, नहीं ना, तो बस 330 picometers होगा। और उसके बाद आप ये चीज़ निकालिए, आपको आर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, R की वैल्यू होगी √3 1.7/4, और A की वैल्यू 330, तो निकालिए जरा कितना आ रहा है, 33×17 करिए, क्योंकि पॉइंट कट जाएगा ना, 1.7 एक जीरो को खा जाएगा, ये पॉइंट इस जीरो को खा जाएगा, तो आपका आएगा 33×17/4, 140.25 आ रहा आप पे, 140.25, और आपको भी पता है पिकोमीटर में आंसर है, ठीक है, पिकोमीटर में, तो 140.25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगभग मैंने थोड़े अप्रॉक्स में लिया, ठीक है, 330, देखूँ जरा दोबारा, तो बहुत 2 का गैप आ रहा है, 1 का, 141, 17 डिवाइडेड बाई 4, ओके, इंटू
33, हाँ 140.25 ही आ रहा मेरा। बाकी आप लोग थोड़ा स्पेसिफिक होके करिएगा इसे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहिए। ओके अच्छा, हम सबको पता है सिल्वर का एटॉमिक मास जो होता है 108 होता है, पर अगर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ ही लिया कि सिल्वर का मास निकालिए, तो आप 108 दिमाग का लगा के करोगे नहीं, ठीक है। दिमाग बोलेगा आपको 108 लिख दो, पर 108 आता नहीं है, है ना। बहुत सी डिफॉर्मिटीज़ या एरर होते हैं, तो अपने को ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत समझना, ठीक है। आप अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में जहाँ 4 आ रहे होंगे वहाँ 0 ले आओगे, तो 10 जो भी आए, 5, 6, 7 वही लिखना, 108 मत लिखना, है ना, स्पेसिफिक मत होना। तो आपके क्वेश्चन है सिल्वर, सिल्वर होता है AG, AU होता है गोल्ड, है ना। AU किससे डिनोट होता है, गोल्ड से, और AG होता है सिल्वर। तो AG क्रिस्टलाइज, AG क्रिस्टलाइज इन FCC, AG FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है। एज लेंथ आपको दे रखी है 4×10⁻¹ सेंटीमीटर, ठीक है, और डेंसिटी आपको दे रखी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको डेंसिटी दे रखी है। आपको मास निकालना है सिल्वर का, ठीक है। टेक योर टाइम, कम बैक करिए इसे खुद। ओके वेलकम अगेन, करेंगे कैसे, डेंसिटी लिखोगे आप Z×M/A³×Na × 10⁻³० ये आपने लिख लिया। फिर इसके बाद मॉलिकुलर मास की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो मॉलिकुलर मास यहीं रहने दो, इन तीनों चीज़ को ऊपर भेजो रो के साथ, इन तीनों चीज़ को रो के साथ ऊपर भेजो, तो रो के साथ A³ आया, Na आया, 10⁻³० आया, और जो M के साथ था Z वो नीचे जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लो, MZ वही आएगा ये, और M की वैल्यू कितनी आई, तो रो की वैल्यू आपकी है 10.5, A³, A इज़ योर 4×10⁻¹ सेंटीमीटर। अब बच्चों ये सेंटीमीटर में पहले से दे रखा है, तो 10⁻³० मत लगाना, मैंने आपको पहले ही बोला था पिछली क्लास में, जब पिको में दिया हो तब ही लगाओ, आई बात समझ में, जब पिको में दिया हो तब ही लगाओ, आज सेंटीमीटर में दे रखा है तो मत लगाओ। वो करते क्यों थे 10⁻³० ताकि सेंटीमीटर में आ जाए, आज नहीं, आज खुद ही सेंटीमीटर में है, तो सिर्फ आप ये वैल्यू डालोगे, ठीक है। तो 10⁵ A³, A ये पूरा है, 4×10⁻¹ का होल क्यूब, Na इज़ योर 6×10⁻²³ और Z की वैल्यू FCC के लिए 4 होगी। नाउ कैलकुलेट करिए इसे प्लीज़, और मुझे मास बताइए, 100 और 110 के बीच में आना चाहिए, कितना आ रहा है देख के बताइए, ठीक है। देखिए 4 का क्यूब तो 64 हो गया, 10.5 हो गया, 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब 64, और −8×3 −24, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 10⁻²³ चल रहा है, और नीचे कितना चल रहा है, 4, ठीक है। अब 4 कितने बार, 16 बार, 16×4 = 64 होता है, और आप पे आया 10.5 × यहाँ से देखिए 16 बच रहा, यहाँ से देखिए 6 बच रहा, 16×6 जो आपका कितना होगा, 96 होगा। तो सीधा इसे 4 को मैं ऊपर लिखता हूँ, कट गया, 16 बार 10.5 ऐसे लिखा, 16×6 जो आपका कितना, 96 होगा, और −24 और 23 आपका होगा −1, है ना, −1 नीचे जाके 10 बनेगा, तो 10.5 × 96 और ये जो 10⁻¹ है नीचे जाके 10 बनेगा। अब जब ये 10 इसको काटेगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो आप पे कुल मिला के है 10.5 × 9.6। जरा आप इसे कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कि ये कितना आ रहा है, ठीक है। टेक योर टाइम, ओके पॉज इट और करो। ओके वेलकम बैक, देखिए कितना आ रहा है। सो मेरे तो प्रिडिक्शन आ रहा है 100.8, आप बताइए आप लोग अपना, आपके कितना आ रहा है, मेरे तो 100.8 आ रहा है बच्चों, आप लोग और देखिए, ठीक है, बस इतना देख लेना कि 100 से 108 के बीच आएगा, है ना। ये मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन के लिए इसे दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, कंसेप्ट ऐसे ही लगेंगे, ठीक है, हाँ और कुछ नहीं, बस ऐसे ही करना है, यस हाँ करना ऐसी है बस। हमसे मैंने खुद ही क्वेश्चन मॉडिफाई कर लिया था, क्वेश्चन में एज लेंथ 4.something है, 078 है, तो वो नहीं ली, नहीं तो आपका 100 से 108 के बीच में आएगा, इतना आप श्योरिटी रखिए, है ना, कॉन्फिडेंस रखिए अपने पे, पेपर में आप ठीक करेंगे।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, आप देखिए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका क्वेश्चन है कि हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर सेल्स आर प्रेजेंट इन NaCl क्रिस्टल ऑफ मास 1 ग्राम। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 ग्राम NaCl में उसके कितने यूनिट सेल्स होंगे और आपको मास देर का क्लोरीन का यू ऑल नो 35.5 और मास देर का आपका Na का 23 या दिस वन। ओके, सो आपको क्वेश्चन दे रखा कि 1 ग्राम NaCl क्रिस्टल में कितने यूनिट सेल होंगे। आप मुझे एक बात बताइए, हाउ मैनी, मैनी मतलब नंबर, पहले भी करा था ये वॉल्यूम के टर्म्स में, जहाँ वॉल्यूम थी 1 cm³ और यहाँ पे वो उसके कुछ और आई थी, यूनिट सेल की कमी आई थी तो हमने 1 को ऊपर रखा था। वाई सो? क्योंकि 1 ग्राम बड़ा होगा, 1 ग्राम बहुत होता है, 1 ग्राम में करोड़ों आ सकते हैं, करोड़ से ज़्यादा यूनिट सेल आएंगे। तो आप एक काम करिए, मास ऑफ 1 यूनिट सेल निकालिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, आपको डेंसिटी पता ही है और मास ऑफ 1 यूनिट सेल निकालना है आपको, तो कैसे निकलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ख़तरनाक है। अगर हम ये फार्मूला लगाएं, डेंसिटी इज़ जेड इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन, तो ये मास आएगा NaCl का। तो मास किसका आएगा? NaCl का एक, या NaCl के एक कंपाउंड का आएगा, यूनिट सेल का नहीं आएगा। समझ में आया? यहाँ से जो ये आपका एम आएगा, ये मास जो होगा वो क्या होगा? कंपाउंड का होगा, NaCl के एक कंपाउंड का होगा, सिर्फ एक कंपाउंड का, यूनिट सेल का नहीं होगा। तो यूनिट सेल का मास के लिए हमें बैक टू द बेसिक्स करना पड़ेगा। बैक टू द बेसिक्स क्या है? बैक टू द बेसिक्स सिर्फ एक मिसनोमर है। आपको पता है डेंसिटी मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगी, एम आई राइट? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगी। ठीक है, हमें 1 ग्राम में कितने यूनिट सेल होंगे ये पता करना है। तो डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल होगी मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, सो एक काम करो, आप मुझे ये बताओ फिर मास ऑफ ए यूनिट सेल कितना होगा। मास ऑफ यूनिट सेल, चलिए इसे कुछ मान लेते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल को हम स्मॉल m मान लेते हैं। तो मास ऑफ ए यूनिट सेल कितना होगा बच्चों? मास निकालना है, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, तो डेंसिटी को हमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम भी किसकी है? यूनिट सेल की है। तो हमें अपना क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा यूनिट सेल का। तो अब से मैं इसे स्मॉल m लिखूंगा मास को, और डेंसिटी का मुझे फार्मूला बताइए। ये जो डेंसिटी होती है इसका फार्मूला होता है जेड इंटू कैपिटल एम। व्हाट इज़ स्मॉल एम? स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ द यूनिट सेल। एंड व्हाट इज़ कैपिटल एम? कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ वन फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl, या वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। ठीक है, एक मॉलिक्यूल NaCl का मास कैपिटल एम है और स्मॉल एम आपका यूनिट सेल का है। डेंसिटी का फार्मूला होता है जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए इंटू 10^-30। यही होता है बच्चे? ठीक है, सवाश। और वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल आपको दोबारा पता है, ए क्यूब भी होती है ना? रो में भी ए क्यूब आया है क्योंकि इसके फार्मूले में आना था, बट आपको ये पता होना चाहिए यूनिट सेल क्यूब होता है, तो क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब। फ़ायदा क्या हुआ? ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, आप पे बचा एम जेड, एम जेड अपॉन एन ए इंटू 10^-30। आप इसे ऐसे भी समझ सकते थे कि आपको अगर मास निकालना है यूनिट सेल का, तो आपको मॉलिकुलर मास को एवोगाड्रो नंबर और 10^-30 से डिवाइड करना होगा। पर इतना सोचे कौन? हाँ सोचेंगे, कब सोचेंगे? जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे ऐसा, है ना? जब एक तरह की फॉर्मेलिटी हो जाएगी, जब आपको ये लगे कि अब फॉर्मेलिटी हो रही है क्वेश्चन में, तब आप डायरेक्ट लगाया करें, क्वेश्चन नहीं स्किप करोगे, डायरेक्ट लगाओगे। ठीक है, टाइम बचाओगे करने सारे। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? देखिए मॉलिक्यूलर मास NaCl का कैसे निकलेगा, Na का ऐड करना पड़ेगा, Na का कितना है 23 और Cl का कितना है 35.5, तो मेरे हिसाब से ये 58.5 आएगा, 58.5 या 58.5। सो मॉलिक्यूलर मास की जगह 58.5, और आपको मैंने ये बताया था कि जो भी NaCl टाइप होते हैं उनका जेड होता है 4 FCC। सो Na इज़ योर एवोगाड्रो नंबर विच इज़ इक्वल टू 6 × 10^-23 एंड यहाँ 10^-30 चल रहा है। तो आप अगर इसे कैलकुलेट करें दोनों को, तो 58.4 × 4 या डिवाइडेड बाई 6 आपका आएगा 38.9। सो हम इसे 39 ले सकते हैं,
और ध्यान से देखिए, 23 और माइनस 30 हुआ माइनस 7, जो ऊपर जाके बनेगा प्लस 7, तो 39 इंटू 10 के पावर 7, इतना नहीं आ सकता यार, इतना नहीं आ सकता, कुछ गलती हुई होगी, वो गलती देखनी पड़ेगी। एम है सही है, जेड है सही है, एन ए है ठीक है, और क्योंकि ये जो मास है ग्राम में, पहले भी ग्राम में रहता था, तो जो मेरा आएगा अब वो पिकोमीटर में, तो ये मास मेरा ग्राम में आएगा, ग्राम में भी क्यों फिर अजीब सा ही आएगा, पिको पिको में आएगा। तो एक काम करते हैं, हम 10^-30 नहीं लगाते हैं, 10^-30 हम किसके लिए लगाते हैं, सेंटीमीटर के लिए नहीं लगाते हैं, ठीक है, हम मीटर में निकालेंगे अपना आंसर, ठीक है, तब सही आएगा, ठीक है, जब हम मीटर में डालेंगे तब सही आएगा, तब ग्राम से ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ 23 है, और 23 जब ऊपर जाएगा तो 10^-23 बनेगा, यह है। हाँ, अब लग रहा है मुझे थोड़ा सही बैठेगा, है ना, 58.5 × 4, और ये ठीक है, तो आप -30 मत लगाना बच्चों, क्योंकि देखो लगा भी लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गलत है। क्यों गलत है, फंडामेंटली तो है ही गलत, दूसरी बात क्या है, फिर मास तो भाई बहुत अरबों करोड़ों में आ जाएगा अगर प्लस हो गया 7, ठीक है, तब तो 1 ग्राम का क्या फ़ायदा फिर, है ना, इसलिए तो 1 ग्राम पूछा हुआ यूनिट सेल में नहीं, माइनस में ही लेंगे, तो 10^-23 आ गए, सिर्फ वैल्यूज़ को हमने वो कर लिया है ना, 6×10^60 या लगभग सही है। अब हम एक काम करते हैं, सिंपली देखते हैं नंबर इन वो उतने ग्राम, है ना, तो आपको पता है जो आपको नंबर ऑफ़ यूनिट सेल इन्होंने बोला, तो नंबर हमेशा कैसे निकलता है, बड़ी चीज़ ऊपर छोटी चीज़ ही नीचे, और हमें पूछा हुआ कि 1 ग्राम में कितने यूनिट सेल होंगे, तो खुद यूनिट सेल इतने हैं, खुद यूनिट सेल का मास इतना है। मैंने आपसे बोला कि एक ईंट है वो 1 किलो की है, तो 10 किलो में कितनी ईंटें होंगी, आप बोलोगे 10 होगी, 20 किलो में कितनी होगी, 20 होगी। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे कि एक जो ईंट है या एक जो यूनिट सेल है उसका मास इतना है, तो 1 ग्राम में कितनी होंगी, तो आपको नंबर निकालने, तो नंबर में बड़ी वॉल्यूम ऊपर, 1 ग्राम ऊपर, और ये जो ग्राम में आई चीज़ ये नीचे, तो 39 × 10^-23 ग्राम नीचे, तो 1/39 देखोगे आप, 1/40, 4 × 8.2 के लगभग आएगा आपका, देख लेते हैं, 1/39 आपका आ रहा 0.02, 0.02 इंटू, देखिए -23 है नीचे, -23 है ऐसे नीचे, 1/39 करा अभी मैंने, तो 0.02 × 10^ आपका कितना आ गया, ये -23 ऊपर जाके +23 बना, और जब ये 0 खाएगा तो 10^21 बनेगा, तो 2 × 10^21, यस ये सही आंसर है, तो हम सही कर रहे थे अपने अप्रॉक्सीमेशन, तो 2 × 10^21 NaCl के एटम्स होंगे आपके, कहाँ, 1 ग्राम NaCl में, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना था। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे ये वाला, ओके नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है, जैसे भी अपनी कंफर्ट में ले लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे ऐसा कुछ है कि NaCl जो है वो FCC में क्रिस्टल होगा, क्रिस्टलाइज होगा, आपको इसकी डेंसिटी दे रखी, ठीक है, तो अगर आप ऐसे सहजे नहीं है, कंफर्ट नहीं है, तो लैंग्वेज में लिखिए 2.165 g/cm³ आपको इसकी डेंसिटी दे रखी, एंड आपको दे रखा डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट Na प्लस एंड Cl माइनस आयन, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट Na प्लस एंड Cl माइनस आयन आपको दे रखा 281 picometer, 281 picometer। आपसे इन्होंने बोला है कि अगर मास ऑफ Na वही 23 और मास ऑफ Cl जो है आपका नेगेटिव Na प्लस और Cl माइनस ये 35.5 हो, तो आपको एवोगाड्रो नंबर निकालना है इस बार। इसका मतलब ये नहीं कि आप वही लिख दो, तो फ़र्क क्या आएगा, पावर में तो आएगा नहीं, 6 में भी नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। वैसे क्या होता है, 6.023 होता है ना, 6.023 होता है ना, तो ये 0.23 में फ़र्क आएगा, 0.23 में, 0.023 में फ़र्क आएगा, वही हमें पता करना है कि वो उसमें कितना डेविएशन है, ठीक है, क्योंकि ना 6 में फ़र्क आएगा, 5.99 भी नहीं आएगा, और ना 10^23 में फ़र्क आएगा, सिर्फ जो पॉइंट के बाद चीज आएगी उसमें फ़र्क आएगा। तो बच्चों NaCl है, FCC है, चलो बहुत बढ़िया, FCC है, इसका मतलब जेड की वैल्यू 4 हो गई, फिर उसके बाद हमें डेंसिटी दे रखी कितनी 2.16 ले लेते हैं अभी के लिए से, और डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट Na प्लस एंड Cl माइनस, ये तो वही चीज़ हुई, डिस्टेंस बिटवीन नियरिंग नेबरिंग एटम्स, या डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स या आयन, याद आया, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स एंड आयन बताया था ना,
वही चीज़ है ये, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एन ए प्लस एन सी एल माइनस आइन, मतलब ये डी है। क्या है ये? डी है, ठीक है। ओके गलत क्यों कराया भैया? चलो कोई नहीं, हम सही करेंगे। तो डी आपका 281 आ गया। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एफ सी सी में क्या होता है। एफ सी सी में जो 4R होता है वो फेस डायगनल के बराबर होता है, मतलब रूट टू ए के बराबर होता है, ये आपको पता है एफ सी सी में। उसके बाद हम 4R को कैसे लिखते हैं, 2 × 2R लिखेंगे और ये बराबर हो जाएगा रूट टू ए के। 2R को हम क्या लिखेंगे, डी। तो 2D कितने के बराबर आया, रूट टू ए के बराबर आया। तो यहाँ से हमें पता चल गया ए की वैल्यू मेरी आई, ए की वैल्यू आई 2D बाई रूट टू। ए की वैल्यू कितनी आई, 2D बाई रूट टू आई मेरी, और रूट टू इसे काटेगा रूट टू टाइम्स, तो ए की वैल्यू आई मेरी रूट टू डी। बस उन्होंने वही गलती कर रखी, उन्होंने 2D ले रखा, रूट टू डी नहीं ले रखा, पर हम अपना सही करेंगे, है ना। 4R रूट टू ए हो गया, 4 को तोड़ा, 2 × 2 = 4, 2R आपका डी बना। आपको ए की वैल्यू चाहिए तो आई 2/√2D, और रूट टू इसे 2 को रूट टू टाइम्स काटेगा तो ए की वैल्यू आई रूट टू डी। तो ए भी हमें पता चल गया, ए कितना है, ए हमारा है रूट टू और साथ में कौन, डी, और डी की वैल्यू 281 है, तो ये बना 281√2 pm। आई बात समझ में, 281√2 pm। बच्चों मैं चाहूँगा रूट टू मतलब 1.4 की वैल्यू आप यहाँ डाल दें, तो 281 × 1.4 आपका आएगा 393.4। तो लगभग मैं इसे 393 pm ले रहा हूँ, है ना। आप पूरा स्पेसिफिक ओके करिए, ठीक है। यहाँ पे हमें कंसेप्ट समझना है, बस वो मेन चीज़ है ना। कंसेप्ट समझ लिया, फिर कैलकुलेशन है। अच्छा अब हमें एवोगाड्रो नंबर चाहिए, तो हम फार्मूला लगाएंगे। हमें पता है डेंसिटी होती है Z(m/a³ × Na, Na एवोगाड्रो, या N0 लिख लो या Na लिख लो, बात एक ही है। और हाँ, क्योंकि पिको में है तो 10⁻³० भी लगाना पड़ेगा। कब नहीं लगाते सेंटीमीटर में, कब नहीं लगाते, जब थोड़ा भी डाउट हो, जब मास आपका करोड़ों में आ जाए या वॉल्यूम करोड़ों में आ जाए तब, है ना। तो Na की वैल्यू क्या होगी, Na ऊपर गया, Z अपनी जगह है, M अपनी जगह है, a³ अपनी जगह है, 10⁻³० भी अपनी जगह है, Na ऊपर गया, रो नीचे आया, रो नीचे आया। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ज़रा पॉज करिए और कैलकुलेट करिए इसे और बताइए मुझे कितना आ रहा है। तो हम पे Z की वैल्यू, क्योंकि एफ सी सी HR हो गया, मॉलिकुलर मास आपका, हमने देखा था इन दोनों को ऐड करते हैं पिछले क्वेश्चन में, तो 58.5 आता है, याद करो। 35 और 23, 58 हुआ और 0.5 हुआ, तो 58.5, तो 58.5 कर दिया। नाउ आपका ए इज़ योर 393 का आप क्यूब करोगे। नाउ डेंसिटी इज़ 2.16 एंड यहाँ पे 10⁻³० है। तो इसे सॉल्व करो और बताओ मुझे कितना आ रहा है, ठीक है। टेक यू टाइम, पॉज करो और सॉल्व करो। सबसे पहले नीचे वाला करते हैं, 393 393 393। ओके कर लिया। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, सॉरी 58.5 × 4, ओके 234 डिवाइड बाई 393, एक और बार डिवाइड 393, एक और बार डिवाइड 393, ओके ये आ गया। और फिर इसमें डिवाइड करेंगे 2.16 से, ये आ गया, और फिर 10⁻³० से, ठीक है। तो बच्चों मेरे तो यहाँ से आएगा आपका 6.06 × 10⁻³। आप लोग अपना देखिए कितना आ रहा है और मुझे बताइए फिर। देखो 6 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 10⁻³ में भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन सही कब माना जाएगा, जब आप 6.023 की जगह कुछ भी लिखें तो सही है, ठीक है। ये चलिए ये हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक एलिमेंट होता है मॉलिबिडनम, वो BCC बना रहा है, क्रिस्टल BCC क्रिस्टल लैटिस बना रहा है, ठीक है। और उसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 10.3 g/cm³, ये आपको डेंसिटी दे रखी है। तो डिस्टेंस बिटवीन
नेबरिंग डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स, और सारे एटम्स या मॉलिब्डनम ही होंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग मॉलिब्डनम एटम्स आपको कैलकुलेट करना है. डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग मॉलिब्डनम एटम्स आपको कैलकुलेट करना है. आपको एटॉमिक मास दे रखा मॉलिब्डनम का 95.94, ये आपको दे रखा है 95.94 आपको मॉलिब्डनम का एटॉमिक मास दे रखा है. चलिए, तो हमें पता है कि पहले ए निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद रिलेशन देखनी पड़ेगी, तो बार बार लिखिया करें उसे, रटना नहीं है आपको, है ना. तो BCC में 4R जो होता है वो बॉडी डायगनल के बराबर होगा. बॉडी डायगनल होती है √3A, फेस डायगनल होता है √2A. 2R को 4R को लिखेंगे 2 × 2R, और यहाँ पे आ जाएगा √3A. 4R को जैसे मैंने 2 × 2R लिखा, 2R को मैं D बना दूंगा, तो 2D आपका हो जाएगा √3A. और A की वैल्यू D चाहिए आपको, है ना, तो D हम कैसे निकालेंगे, D हो जाएगा √3/2A. तो बच्चों अब ये देखो √3/2 बहुत बार आ रहा है ना, तो कंपटीशन में तो इसे याद रख लेना √3/2 फैक्टर कितना होता है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. डेंसिटी इज Z×M अपॉन A³ × N × 10⁻³⁰. इस बार लगाएंगे, हाँ लगाना ही पड़ेगा, तभी पिको में आएगा, नहीं लगाओगे तो सेंटीमीटर में आएगा. और आप सबसे पहले A³ निकालिए, तो A³ की वैल्यू क्या आएगी, A³ की वैल्यू यहीं लिख लेते हैं. A³ की वैल्यू आएगी, देखिए जेड ऊपर ही है, एम ऊपर है, A³ ऊपर गया, रो नीचे आया, NA 6 लाएगा और 10³ लाएगा अपने साथ, और 10³ और 10⁻³ होगा 10⁻⁷, जो ऊपर जाके बनेगा +7. अब आप वैल्यू डालिए और सीधा मैं वैल्यू लिखूँगा, है ना, आप कैलकुलेट करना. जेड BCC के लिए 2 होगा, मॉलिकुलर मास आपको 95.94 दे रखा, तो लगभग इसे 96 ले लो, ठीक है. रो आपको दे रखी 10.3, NA 6 और 10⁷ ऊपर गया. अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, तो 32/10.3 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है. मेरी मत देखे करो, कैलकुलेशन अपनी करे करो, बस कंसेप्ट देखे करो. 32/10.3, 3.10 आपका आ गया, 3.10 × 10⁻³ कितना आ गया, 7 आ गया. अब इसे ऐसा तोड़ो कि ये 6 या 7 में जाए, तो मैं इसे ऐसा तोड़ूंगा. देखो A³ लिखा, 10 उधार लिया, 10 उधार लिया तो 31.0 बना, है ना, 10 उधार लिया उसको दिया तो 31.0 बनेगा, तो 0.0 क्या लगाना फिर, अब 31 आ गया और 7 का बन जाएगा 6, ठीक है. और 31 का क्यूब रूट क्या होगा, 27 का 3 होता है, तो 3 point something होगा आपका क्यूब रूट, तो आपका क्यूब रूट, हाँ 3.14 आ रहा है आपका, है ना, और 10⁻⁸ आ रहा है, ठीक है. -8 नहीं यार, हाँ मेरी भी तो प्लस ही आ रही है, हाँ तो ये तो बहुत बड़ी आ रही है. अच्छा क्यूब रूट भी तो होगा बाद में, है ना, तब भी बहुत बड़ी आ जाएगी, कुछ गलती. देखो शायद उन्होंने 10⁻³ लगाए नहीं है फिर, है ना. अब हमें धोखा हो गया, तो देखो दोबारी हमारे बात सत्य हो गई, 10⁻³ लगाना नहीं है, ठीक है. तो नहीं लगाते तो क्या होता, नहीं लगाते तो मेरे हिसाब से अगर हम लगाते नहीं इस 10⁻³ को, तो आपके साथ अपने साथ 6 अपने साथ 23 लाता, और 23 ऊपर जाके -23 बनता, चलिए बहुत बढ़िया. तो अभी तो छेड़ा ही नहीं उसे, तो 10⁻⁷ या 10⁻⁷ होता, ठीक है. और क्यूब रूट के लिए 3 × 7 = 21 होता है, या 3 × 8 = 24 होता है, ठीक है. तो इसका क्यूब रूट करना ही पड़ेगा, कल से साइंटिफिक कैलसी मेरे को भी रखना पड़ेगा, ठीक है. तो ए आ जाएगा आप पे कितना, 3.10 और 10⁻³ का क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट. बच्चों कर लोगे, करके बताना मुझे कितना आ रहा है ना. मैं करूँ तो इसे 21 तक काटेंगे, या तो पहले पूरा उसे दे दो, तो 310 आया और 10⁻²⁵ आया, और यहाँ पे आया क्यूब रूट. अब क्या हुआ, 310 आ गया और 10⁻²⁵ बन गया, तो 10 इसकी 1 काट देगा, तो ये बनेगा 31 × 10⁻²⁴, और यहाँ आएगा 1/3, तो 31 लगभग 3 point something जाएगा, 3.1 जाएगा, और -24/1/3 होगा -8, तो 3.1 × 10⁻⁸ आ गया. ये आपका आया होगा क्योंकि हमने फैक्टर नहीं लगाया, फैक्टर नहीं लगाया ना, तो ये चीज़ आपकी पिको मीटर में नहीं सेंटीमीटर में आएगी. फैक्टर कब लगाते हैं, जब पिको को चेंज करते हैं ना, तो सेंटीमीटर में आई होगी, यस सेंटीमीटर में है.
तो अब एक काम करते हैं, डी सेंटीमीटर में ही रख लेते हैं, तो डी की वैल्यू आएगी √3 1.7/2, और ए की वैल्यू आई आपकी 3.1 × 10⁻¹. डी भी आप सेंटीमीटर में रखना फिर, तो इसे कैलकुलेट करो, 17 का आधा होता है 8.5, तो 0.85 हो गए, 0.85 ना, सही का, ठीक है. तो ये आप पे 2.6 आ गया, और यहाँ पे 10⁻¹ आएगा, और ये सेंटीमीटर में आपका आंसर हो जाएगा. ये कोई कंपल्शन नहीं है, सेंटीमीटर मीटर या पिको में रखो, वो हमारी कंफर्ट होती है, कैसे भी रखो, है ना. आज क्वेश्चन ऐसा बन रहा था तो हमने ऐसे ही कर लिया, ठीक है. ये चीज़ें चलिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा घर के लिए, वो करना. ओके, थैंक यू.